देखो बचे हुए चावल के साथ हमारे घर में दो ही चीज़ होती है, चाहे तो फ्राइड राइस बन जाता है या फिर दाल और सब्जी के साथ ऐसे ही खा लिया जाता है। पर सही बताऊँ मुझे दाल सब्जी के साथ कुछ खास पसंद नहीं आता ना, इसलिए मैं फ्राइड राइस अक्सर करता हूँ। तो यही सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था। तो हाँ मैं फ्राइड राइस अक्सर करता हूँ, पर हाँ फ्राइड राइस करने की अपनी हर किसी की रेसिपी होती है, तो मेरी भी एक अपनी खुद की रेसिपी है और ये रेसिपी ना मैंने कोई रेस्टोरेंट में नहीं सीखा है। एक चीज और कह सकते हो, मैगी के बाद ये मेरी पहली रेसिपी है जो मैंने खुद से बनाई थी। और हाँ इस फ्राइड राइस में मैंने मसालों का यूज ज्यादा नहीं किया है, एक चीज बहुत जरूरी है वो है दही। दही मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच। दही को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर पकने देना है, जब मसाले तेल छोड़ दे उसके बाद हम राइस डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना।